अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब जनता को इस बात के अधिकार मिल गए हैं, इस बात की मंजूरी मिल गई है कि वो 3 बच्चे पैदा कर सके। अभी तक वहां पर जो दंपति हैं 2 ही बच्चे पैदा कर सकते थे। दरअसल चीन की सरकार को ये फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहां पर इस समय 65 साल से ऊपर के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो रोजगार की कमी है, दूसरा बच्चों के लालन पालन में जो होने वाला खर्च है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आबादी वहां पर क्योंकि बढ़ नहीं रही है, जो बुजुर्ग आबादी है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए 2015 में भी चीन ने अपनी एक बच्चा नीति में परिवर्तन किया था और दंपतियों को इजाजत दी थी कि वो 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब 2 से बढ़ाकर 3 कर दिए गए हैं। देखना होगा कि चीन ने ये जो नीतियों में ढील दी है इसका फायदा कितना होता है देश को, इस पर आज विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे ब्रिटेन की। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है ब्रिटेन को कि वहां पर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, सरकार को अभी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। क्या है ब्रिटेन के हालात, इसके बारे में बात करेंगे। और रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की भी चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुछ और वस्तुओं के जो बाहर से हम खरीदते थे, रक्षा जो हमारे हथियार हैं, उनको कहा है कि अब आपको इनको घरेलू रक्षा कंपनियों से ही खरीदना होगा। क्या है निर्णय सरकार का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चीन से आई बड़ी खबर से। चीन से बड़ी खबर आई है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी देश की आबादी की औसत आयु में तेजी से वृद्धि होने के मद्देनजर बच्चों के जन्म पर लागू सीमा में ढील देगी ताकि दंपति 2 की बजाय 3 बच्चों को जन्म दे सकें। सरकारी समाचार एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल ने 1980 के दशक से जन्म संबंधी सीमाएं लगाई थी, लेकिन अब चीन में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में तेजी से कमी आ रही है और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की ओर से बताया गया कि सत्तारूढ़ दल के पोलित ब्यूरो की सोमवार को ही बैठक में तय हुआ कि चीन बुजुर्ग होती आबादी से सक्रिय रूप से निपटने के लिए प्रमुख नीतियां और उपाय लाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी के नेताओं ने कहा कि जन्म देने की आयु सीमा में ढील देने, जिसके तहत दंपति 3 बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं, इसके अनुकूल नीतियों में बदलाव करने तथा इससे जुड़े अन्य कदम उठाने से चीन के आबादी संबंधी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि चीन की 1.4 अरब की आबादी इस दशक के अंत तक चरम पर पहुंचेगी और उसके बाद इसमें कमी आएगी। 11 मई को जारी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से पता चला कि यह अनुमानित गति से भी तेजी से हो रहा है, जिसके कारण भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों की तुलना में कम कर्मचारी उपलब्ध होंगे। दंपतियों के एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति संबंधी नियमों में 2015 में ढील दी गई थी और 2 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी गई थी। इसके एक वर्ष बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाद में इसमें कमी देखी गई। इसकी वजह लोग रोजगार में कमी और बच्चों को पालने में आने वाला खर्च बताते हैं। एक अधिकारी ने जनसंख्या आंकड़ों के हवाले से बताया कि चीन की आबादी में कामकाजी आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की हिस्सेदारी 63.3% है, जो एक दशक पहले 70.1% थी। वहीं 65 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 8.9% से बढ़कर 13.5% हो गई है। वर्ष 2019 के मुकाबले पिछले वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई और यह 1.2 करोड़ है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक मशहूर वैज्ञानिक ने इस बात के संकेत देते हुए चेतावनी दी है कि ब्रिटेन कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्ते के लिए टालने की अपील की है। बीबीसी ने सोमवार को खबर दी कि सरकार के न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा कि वैसे तो नए मामले अपेक्षाकृत कम हैं,
लेकिन कोविड-19 के B.1.617 स्वरूप ने संक्रमण के तेजी से बढ़ने की आशंका को बल दिया है। ब्रिटेन में रविवार को लगातार पांचवें दिन कोविड-19 के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। उससे पहले ब्रिटेन ने 12 अप्रैल के बाद यह आंकड़ा पार नहीं किया था। प्रोफेसर रवि गुप्ता ने प्रधानमंत्री से 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्ते के लिए टालने की अपील भी की है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 4,49,09,939 तक पहुंच गए हैं और अब तक 1,28,043 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि ब्रिटेन पहले से तीसरी लहर की गिरफ्त में है और 3/4 नए मामलों में कोरोना वायरस का वह स्वरूप मिला है जो भारत में सामने आया था। उन्होंने कहा, वाकई फिलहाल मामले तो कम है, लेकिन सभी लहरें कम आंकड़ों से ही शुरू होती हैं, लेकिन बाद में वह विस्फोटक हो जाती हैं। इसलिए यह अहम तत्व है कि हमें यहाँ जो दिख रहा है वह शुरुआती लहर है। उन्होंने कहा कि लेकिन ब्रिटेन में जितने लोगों को टीका लगा है उस हिसाब से शायद इस लहर को पिछली लहरों की तुलना में सशक्त रूप से सामने आने में वक्त लगेगा। उधर घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, हवाई अग्रिम चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार जैसे 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की। पिछले साल रक्षा आयात के लिए जारी पहली नकारात्मक सूची में 101 वस्तुएं शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी नकारात्मक सूची में शामिल 108 वस्तुओं के आयात पर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने दूसरी सूची सार्वजनिक क्षेत्र और निजी रक्षा विनिर्माण उद्योगों के साथ कई बार विचार विमर्श करने के बाद तैयार की है। रक्षा आयात के लिए नकारात्मक वस्तुओं की पहली सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान, रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि आयात के लिए दूसरी नकारात्मक सूची को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग द्वारा 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सभी 108 वस्तुओं को अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। रक्षा मंत्रालय की नई रक्षा खरीद नीति में रक्षा विनिर्माण कारोबार के 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उधर सेंट्रल विस्टा परियोजना की राह से सभी अड़चने दूर हो जाने के बाद, सभी कानूनी जो दिक्कतें हैं दूर हो जाने के बाद, सरकार ने साधा है विपक्ष पर निशान। आपको दिखाते हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं। डिसीजन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया वो आया करीब 900 करोड़ 862 करोड़ 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़ 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक, 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज इनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, उस पे आल्सो वी कैन कम एंड फोकस।